नमस्कार, सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर से दिल्ली जाने पर अड़े दोनों सीमाओं पर किसान और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने किसानों पर दागे आंसू गैस के गोले। वहीं खनौरी बॉर्डर पर एक युवा किसान की हो चुकी मौत। पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पंजाब हरियाणा की सीमाओं पर बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। हरियाणा के जिला जींद जिले के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार का बड़ा बयान आया सामने। बोले, किसान आंदोलन के दौरान कुछ लोगों ने धान की पराली में आग लगाकर डाली मिर्ची। इसके बाद पुलिस पर किया गया हमला। धुआं ज्यादा होने की वजह से काफी किसानों ने तलवार और भालों से पुलिस पर किए हमले। हमले में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए करवाया गया भर्ती। किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर किसानों को बातचीत का दिया नोटा। शंभू बॉर्डर पर किसान मीटिंग में केंद्र के प्रस्ताव पर कर रहे विचार, जल्द केंद्र के सवाल पर किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे अपना फैसला। बता देगी इससे पहले 4 बार बैठकों का नहीं रहा कोई नतीजा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने C-20 क्रायोजेनिक इंजन की ह्यूमन राइटिंग सफलतापूर्वक की पूरी। यह इंजन गगनयान मिशन का एक अहम कंपोनेंट। इसरो के मुताबिक ग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट का फाइनल राउंड 13 फरवरी 2024 को किया जा चुका पूरा। इसरो ने कहा कि गगनयान में 3 दिनों के मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। पुणे और दिल्ली में पिछले 3 दिनों से जारी छापेमारी में पुलिस ने 1 किलो 700 ग्राम ड्रग्स की जब्त, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3500 करोड़ रुपए कीमत। महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रग गिरोह का पर्दाफाश। जानकारी के मुताबिक इस ड्रग नेटवर्क के पीछे एक कोरियर एजेंसी भी शामिल। महाराष्ट्र में प्रसाद खाने के बाद 300 से ज्यादा लोगों की बिगड़ी हालत, इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल। इस मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल। बता दें कि अस्पताल में बेड की कमी के कारण सड़क पर कई मरीजों का शुरू किया गया इलाज। जिला कलेक्टर ने इस मामले की पुष्टि, अधिकारियों को दिए जाँच के आदेश। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 स्थित एक अपार्टमेंट में तीसरी मंजिल के फ्लैट पे लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियां। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जब वे फायर डिपार्टमेंट के साथ मौके पर पहुंचे तो बालकनी में खड़ी 2 महिलाएं नीचे कूद गई। हालांकि समय रहते दमकल कर्मचारियों ने एक को बचा लिया, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से बताई जा रही घायल। किसानों के दिल्ली कूच के बाद पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बिगड़े हालात के बीच हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार। कोर्ट ने कहा कि लो एंड ऑर्डर कायम रखना पुलिस का काम, कोर्ट का नहीं। दरअसल हरियाणा सरकार ने किसानों को न रोकने पर पंजाब सरकार के खिलाफ कार्रवाई के लिए लगाई थी याचिका। हरियाणा सरकार का कहना था कि शंभू बॉर्डर पर मॉडिफाइड ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ आंदोलनकारी मौजूद, जिसे हरियाणा में हिंसा का बन सकता है खतरा। राजीव गांधी युवा मित्र को रोजगार देने और किसान सम्मान की मांगों को लेकर जयपुर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेटिंग तोड़ी तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे शामिल। बता दें कि कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता शहीद स्मारक से मुख्यमंत्री आवास का करने जा रहे थे घेराव। पंजाब में भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले सियासी खेल शुरू। बताया जा रहा है कि पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह बीजेपी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। पार्टी सुप्रीमो सनी देओल की जगह पर युवराज सिंह को गुरदासपुर से लड़वा सकती है चुनाव। फिलहाल युवराज सिंह की ओर से इस मामले को लेकर नहीं आई कोई प्रतिक्रिया। सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच को हिंदी चैनल।